लॉकडाउन से पहले रोड बनाया था 200 मीटर का, यहाँ व्यू से लेके एकदम मेन रोड तक का बनाया था। अभी ग्रीन व्यू से ग्रीन पार्क का जो बाकी रोड बाकी था 40 मीटर का, उस रोड की मैंने ओपनिंग किया हूँ आज। RCC रोड है, इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 दिन के अंदर ये रोड कम्प्लीट हो जाएगा। जब मैं जीत के आया उस वक्त यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ते ढंग के नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वादा इनसे किया था कि मैं स्ट्रीट लाइट लगा के दूंगा, मैं रोड बना के दूंगा आपका, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देखो स्ट्रीट लाइट भी मैंने लगा दिए, रोड और गटर भी कम्प्लीट हो गया। सिर्फ अब एक काम ग्रीन पार्क में मेरा रह गया, वो बड़े नाले का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी वर्क ऑर्डर हो गया। खाली मतलब इस वक्त बजट का मसला चल रहा है, आपको भी मालूम है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए रुका, वो भी मेरा 800 मीटर का नाला है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहेगा तो 2 महीने के अंदर उसका भी काम की ओपनिंग करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। वो बजट नहीं था लॉकडाउन, आपको मालूम है कि 1.5-2 साल तो लॉकडाउन चला, उसकी वजह से बजट नहीं था TMC के पास। अब मुझे TMC, अभी मुझे बजट मिला तो वर्क ऑर्डर मिल गया, उसके बाद मेरी आदत है कि मतलब जब तक वर्क ऑर्डर नहीं मिल जाता मैं कोई काम की ओपनिंग नहीं करता हूँ। आज मेरा वर्क ऑर्डर मिल गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ओपनिंग किया, कल से इंशाल्लाह रोड का काम चालू हो जाएगा। ये 25 लाख का बजट है मेरा और 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो 15 से 20 दिन में रोड कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बारिश में एकदम नदी के जैसा पानी बहता है और उसकी वजह से यहाँ पे अंदर मस्जिद है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो तमाम नमाजियों को आने जाने में बड़ी तकलीफ थी और छोटे बच्चे भी उसमें से गुजर नहीं पाते थे, इतनी बुरी हालत थी। अब शालम भाई ने जो कदम उठाया है काबिले तारीफ है। शालम भाई से मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर पहाड़ों से जो पानी उतरता है वो नाला फुल होने की वजह से सारा रोड पर ही बहता है और इस कदर हालत ख़राब रहती है कि नदी की तरह से पानी बहता है। लोगों ने देखा होगा यहाँ पर नदी की तरह से घुटने घुटने से पानी बहता है, आने जाने में बड़ी तकलीफ। जिस तरह रोड का काम कर रहे हैं आप, जो है नाले का भी काम जो है इसका भी टेंडर डालिए और ये बहुत ही इस इलाके की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हर साल यहाँ पे नदी के जैसा पानी बहता है, लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियो भी है। आपको मुबारकबाद देता हूँ और इसी के साथ गुजारिश करता हूँ कि इसके नाले का काम भी जल्द से जल्द कीजिए। रोड का आने जाने को बहुत तकलीफ थी हम लोगों को, असल में हम लोग TMC वाले 6 बिल्डिंग है, हम लोगों को बहुत तकलीफ थी ये रोड में आने जाने के लिए। अभी ये रोड का जो काम हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। चलो भाई आलम शाह आलम भाई ने इसके हमारी तकलीफ़ को दूर किया, इसका हम शाह आलम भाई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आगे भी आलम भाई का साथ देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। मैं इसके बारे में कहूँगा कि शाह आलम भाई ने पहले भी 200 मीटर का रोड बनाया था तो हमारे 50 मीटर का रह गया था, तो हम उनके पास पहुँचे सर कि ये भी बना दीजिए, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और माशाल्लाह आज उद्घाटन है वो चीज़ का, तो हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं और मेरी ग्रीन व्यू और ग्रीन पार्क सोसाइटी की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे रोड बना नहीं था तो क्या तकलीफ है? सर बहुत तकलीफ थी, हमारे रोड के उस पार ही स्कूल हैं, बच्चे छोटे छोटे जाते थे, खड्डे थे बहुत सारे, कितने बच्चे गिर गए, एक्सीडेंट भी हुआ उनका, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर बना दीजिए, तो उन्होंने माशाल्लाह हमारी बात सुनी और उस पर अमल किया। बहुत अच्छे इंसान है और बहुत हमारा काम किया उन्होंने और इस